उधर उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर तुरंत सुनवाई के लिए मान गई। उत्तराखंड के जंगलों में पिछले कई दिनों से भयानक आग लगी हुई है और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया जिसकी सुनवाई 8 मई को होगी। क्योंकि पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के एक बड़े हिस्से में जंगल धधक रहे हैं, इस आग को बुझाने की कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आई। नौबत ये आ गई कि पौड़ी में जंगल की आग एक हॉस्टल तक पहुंच गई। पूरा हॉस्टल धुएं से भर गया, बहुत सारा सामान जल गया। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे बाहर आ गए और दमकल विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने में जुट गए। चकराता में भी जंगल की आग ने पूरे माहौल को धुआं धुआं कर दिया। कुछ झोपड़ियां जल गईं। बागेश्वर में भी जंगल दिन रात जलते रहे। वहां पेड़ों के जलने से इतना धुआं उठा मानो सर्दी में धुंध छाई हो। आग की वजह से बागेश्वर के कई होटलों में सन्नाटा पसर गया क्योंकि कोई पर्यटक ही नहीं पहुंच पाया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के जंगल सुलग रहे हैं। वायुसेना से भी मदद मांगी गई। अनुमान लगाया गया कि उत्तराखंड में पिछले साल की तुलना में इस साल आग लगने की 5 गुना ज्यादा घटनाएं हुई। यानी इस बार उत्तराखंड पर पिछले साल की तुलना में बड़ा संकट आया क्योंकि एक महीने में 5,000 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई। इनमें कुमाऊं क्षेत्र के 30 और गढ़वाल क्षेत्र के 16 जंगलों में लगी आग शामिल है और ये आग करीब 78 हेक्टेयर में फैली हुई है। यानी गर्मी बढ़ते ही उत्तराखंड के जंगलों की आग एक बड़ी समस्या बन गई। इस वजह से यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तुरंत सुनवाई के लिए मान गई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 8 मई को सुनवाई करेगी क्योंकि अदालत में शिकायत दाखिल की गई कि जंगलों में लगी 90% आग इंसानों की वजह से लगी और अब इस आग को बुझाने में प्रशासन के पसीने छूटे हुए हैं। और यह आग इतनी विकराल हो गई कि इसे बुझाने के लिए वायुसेना की मदद ली गई। सेना के हेलीकॉप्टरों को उत्तराखंड के अलग अलग इलाके के जलते जंगलों को बुझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्हें इन जंगलों की आग को बुझाने के काम में लगा दिया गया। वायुसेना का हेलीकॉप्टर आसमान से जलते जंगलों पर पानी और केमिकल का छिड़काव करता नजर आया। इसके लिए एक बड़े से डैम के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराता नजर आया। इसके बाद उससे लटकाए गए एक बैग में पानी इकट्ठा किया गया और हेलीकॉप्टर उसे लेकर जलते जंगलों की तरफ गया। इसके बाद काफी ऊंचाई से उस पानी को जंगलों पर उड़ेला गया ताकि वहां लगी आग बुझाई जा सके। वायुसेना के उस हेलीकॉप्टर ने पौड़ी गढ़वाल इलाके में कई चक्कर लगाए और हर बार अपने साथ पानी और केमिकल लेकर आया ताकि जल्द से जल्द वहां के सुलगते जंगलों को राहत मिल सके। इसी तरह के ऑपरेशन कई और इलाकों में भी किए गए क्योंकि उत्तराखंड के बड़े हिस्से में जंगल जल रहे हैं और अब ये परेशानी इतनी बढ़ चुकी है कि इसे संभालने के लिए उत्तराखंड सरकार को वायुसेना की मदद लेनी पड़ी।